all my life, been grinding all my life. Sacrifice, muscle paid the price. One slice. बिहार के लाल ईशान किशन मौजूदा आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वे पिछले सीजन में भी मुंबई टीम का ही हिस्सा थे, लेकिन टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। उनका बेस प्राइस महज 2 करोड़ रुपए था, यानी वो 7 गुना से अधिक महंगे बिके। मुंबई के अलावा दूसरी सभी टीमों ने ईशान पर बढ़ चढ़ कर बोली लगाई। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई ने आईपीएल के इतिहास में ऑक्शन में पहली बार किसी खिलाड़ी पर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की बोली लगाई है। पिछले सीजन में उन्हें 6.2 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस बार उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। टीम में एक बार फिर वापसी के बाद ईशान किशन ने फ्रेंचाइजी और अपने चाहने वालों को शुक्रिया करते हुए एक वीडियो जारी किया है। I am coming home to AMSI Mumbai. Palton, I have missed you and I can't wait to reunite. We have made so many memories together, but our story is just getting started. Thank you to the owners and management for having faith in me and see you all soon. 23 साल के ईशान किशन का रिकॉर्ड T20 में बेहतरीन रहा है। वो 104 पारियों में 28 की औसत से 2,726 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 135 का है, जो T20 के लिहाज से बेहतरीन है, जिसके चलते 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम ने उन पर इतनी बड़ी बोली लगाई है। वो T20 वर्ल्ड कप में भी उतरे थे। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में वो रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे। इसी के साथ ईशान किशन आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने वाले दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 2015 में युवराज सिंह 16 करोड़ रुपए में बिके थे। ईशान किशन पहले भी कहते रहे हैं कि मुंबई इंडियंस उनकी फेवरेट टीम है। इस बार लीग के मुकाबले महाराष्ट्र में ही हो सकते हैं। वो पहले से टीम से जुड़े रहे हैं, इसका टीम को भरपूर फायदा मिल सकता है। हालांकि मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी दूसरे टीमों में जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, क्वेंटिन डी कॉक और ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं।